इससे और कितना भयंकर मॉब फार्म बनाऊं मैं? देखो मतलब इतने सारे मॉब स्पॉन हो चुके। ओ माय गॉड, क्रीपर आ रहा है मेरे पास। नहीं, ऊपर मत आना प्लीज प्लीज, मुझे बेड बनाना है क्योंकि मेरे पास स्ट्रिंग हो चुका है गाइज। और बहुत बेकार इंट्रो दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैंने सारे विलेजर्स को शिफ्ट कर दिया है, तो इतने विलेजर्स मैं लूंगा और इनको मैं अभी छज्जा जैसा दूंगा। नहीं, भाई तू क्यों आ रहा है भाई? मरना है क्या तुझे भाई? मरना इसे नहीं है, ये मेरा सामान तोड़ना चाहता है इसे ना। नहीं, नुकसान करा के मानेगा भाई ये। सबसे पहले हम बेड बनाते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है पब्लिक, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक आ रही है, तो मैं बेड बनाने के लिए वूल है मेरे पास। स्ट्रिंग्स कहाँ से आए अगर आप पूछ रहे हो, तो ये इन्हीं को मार के आए, ये पागलों को। ओके, मैं अपने 0 ब्लॉक सर्वाइवल में पहली बार सो रहा हूँ। ये मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे स्लीप लिया है। और ये रिस्पॉन पॉइंट सेट करता हूँ यहाँ पे, इसको भी मारना पड़ेगा। भी चाहिए भाई, मर जा। ओ भाई, क्रिटिकल हिट भी कितना जल्दी मरते। हम बेडरॉक पे पागल है क्या जो बिना क्रिटिकल हिट के खेलते? देखो 2 हिट में गया, कितना मस्त है यार, क्रिटिकल हिट ही मारा करूंगा मैं तो। ओके, तो आज का हमारा मेन मोटिव है एक ट्री फार्म बनाना, अपना एक थोड़ा छोटा सा रहने की जगह, मतलब कुछ भी बना सकते हैं हम। और डर्ट कहाँ से आएगी अगर आपको नहीं पता, तो रेसिपी है डर्ट की। मैं 4 रोटन फ्लेक्स से डर्ट बना सकता हूँ। सबसे पहले स्लैब्स बना लेते हैं क्योंकि मुझे बनाना है अपना एरिया मस्त सा, तो उसके लिए स्लैब्स लगेंगे ही। और यहाँ के लिए मैंने सोचा है बनाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा खाली खाली जगह है, यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा। और यार बेडरॉक में एक ग्लिच नहीं होना चाहिए था, अगर मैं यहाँ पे ऑफलाइन जाऊँगा तो मेरा सारा सामान जाएगा, जैसे कि मैंने पिछला ही बता दिया है। इसकी वजह से मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ ये वाला एरिया ऊंचा ही बनाऊँ। छोड़ो यार, और मुझे ये पूरा एरिया भी पूरा वो करना होगा ऊंचा, एक ब्लॉक मतलब फुल ब्लॉक करना होगा, क्योंकि कभी भी अगर गलती से मैं इधर ऑफलाइन जाता हूँ और मेरे इन्वेंटरी में काफ़ी महंगे महंगे सामान होंगे तो सब जाएगा। बेडरॉक भाई कब सुधरेगा समझ नहीं आ रहा। यहाँ के लिए 8 एक्सटेंड किया है, वहाँ के लिए 8 एक्सटेंड किया है, बीच में 2 है, इसका मतलब 8 8 16 16 और ये 2 18, टोटल 18 हो गया फिर हमारा। तो 18 बाई 18 का कर देते, नहीं ये थोड़ा सा लंबा लेके जाते और ये इतना ही रहने देते। ये एरिया बिल्ड हो गया, लेकिन रात भी होने वाली है, बहुत बुरा टाइम है हमारा। मतलब हर समय मेरा बुरा वक्त ही चलता रहता है मुझे तो लगता है, क्योंकि अभी मुझे फटाफट से वो एरिया को लाइट अप करना होगा, वरना मेरे यहाँ पे लंका लग जाएगी और वहाँ पे मॉब्स की बरसात हो जाएगी। एक तो मेरे पास 4 कोल भी नहीं है यार। ओके डन हो गया। ओके ऑलमोस्ट 2 स्टैक स्पैम कर देते हैं यहाँ पे। एरिया तो ठीक बन गया, ऐसा लग रहा है मैंने सुमो का एरिया बना दिया है या तो बास्केटबॉल वगैरह का, यहाँ पे हम खेलेंगे। ओके, डर्ट सैपलिंग, थोड़ा बोन मिल सब लेके चलते हैं। तो 2 के छोड़ के लगाऊंगा तो शायद से कोलाइड ज़्यादा नहीं होंगे, पर होंगे मेरे ख्याल से कि नहीं होंगे, क्या पता यार। 3 छोड़ देते, चलो लकीली जितना एरिया बनाया था उस हिसाब का ही डर्ट बना है, तो ये फ़ायदा हुआ है। एक देख सकते हो मेरा डर्ट भी ख़त्म एंड एरिया भी ख़त्म, बेस्ट। ओके, सैपलिंग लगा देते, 4 सैपलिंग लग चुका है। ओ उधर मुझे ज़ॉम्बी दिखा, 1 मिनट, मेरे विलेजर के पास क्या कर रहा है तू, और पहुँचा कैसे तू वहाँ पर भाई कैसे? और सबको फेंसेस लगा रखे, ये तो फ़ायदा हुआ, वरना ये उनका जीना आराम कर देता भाई, क्या नॉकबैक है। अब भी थोड़ा सा ट्री ग्राइंड करते और यहाँ के लिए हम बेस बनाएंगे। अरे बेस कहाँ बनाऊँ, बट ये बेस यहाँ पे बनाते हैं। हाँ ये बहुत ज़्यादा ओपन एरिया लग रहा है, मज़ा आएगा। और यहाँ से देखो एक बाजू में राइट में हमारे ट्रेडिंग हॉल हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना ट्री फार्म, और मिडल का तो हमारा नेदर पोर्टल का एरिया बना देंगे हम, क्योंकि अब तो वो बेस भी नहीं रहेगा। हम उग जा नहीं करेंगे, हम ऐसे करेंगे। ओ भाई ये पहले में इतना बड़ा निकल गया, ये नहीं उगेगा, उग गया। ओके, इसकी सैपलिंग्स बाहर गिरेंगे, छोड़ो यार, इशू कर दिया मैंने। ये देखो 3 का नहीं 4 का छोड़ना था मेरे पास शायद से जगह मुझे, और मैंने इशू कर दिया, ये उग गया उग गया। चलो ये तो एटलीस्ट उग गया, बट मुझे समझ गया मुझे 4 की जगह छोड़नी थी यार। अभी ये सारे पेड़ को काट के मैं कर दूंगा 4 की जगह। बड़े पेड़ से यार वुड बहुत मिलता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है यार। देखो ना कितना पूरा चढ़ चढ़ के मुझे खोदना पड़ रहा है, निकालना पड़ रहा है। वैसे मैंने सुना है कि बड़ा पेड़ ना उगाने के लिए मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, इनके ऊपर हाइट ब्लॉक लगा सकता हूँ, जितना मिनिमम हाइट मुझे चाहिए उतना ब्लॉक लगा दूंगा तो उतने ही बड़े उगते शायद से, मैंने सुना है। अगर ऐसा कुछ होगा तो गाइस मुझे कमेंट में बताओ, मैं ऐसे ही कर दूंगा।
और एक तो मुझे कल ये ठीक करना पड़ेगा क्योंकि मैंने इसका इशू किया है, 3 बाय मतलब 4 4 का स्पेस छोड़ के बनाना था, तो ये तो मैं ठीक कर दूंगा थोड़ा ऑफलाइन बैठ के। अभी हम अपना बेस बना लेते हैं छोटा सा, अभी मतलब मेन बेस नहीं होगा ये, एकदम छोटा सा होगा, और अभी भी लगा देता हूँ, थोड़ा सा उगता रहेगा। एक इशू होता है ये उगेगा, लेकिन एक इशू होता है अगर बड़े पेड़ उग जाते तो इशू देगा फिर, ये फिर छोटे उग नहीं पाते ना, वो इशू है। और मुझे 3 एप्पल मिल चुके। तो गाइस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मैं नेक्स्ट एपिसोड में बनाऊंगा, नेक्स्ट एपिसोड में अपना हाउस बनाऊंगा, तो यहीं तक को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना, और मुझे नीचे सजेशन दो आपको क्या और देखना पसंद है ताकि मैं वैसे कंटेंट बना सकूं। तो टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।